पाली सीखो पांच। अब हम पाली की जो छोटी छोटी बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हिंदी की और पाली की लगभग एक हैं, क्योंकि आप जब भी पाली पढ़ेंगे और हिंदी से उसकी तुलना करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी और पाली में तो अंतर है ही नहीं। जैसे मेरा नाम सुधीर है, सुधीर नाम की पहले खासियत समझिए क्या है। मैं शब्दों के अर्थ में नहीं जा रहा, चूंकि मैं आपको ग्रामर समझा रहा हूं, मैं आपको व्याकरण समझा रहा हूं। जो व्यय होते हैं यानी कि बदलते रहते हैं, व्यय होते रहते हैं, वो सारे कारक समझा रहा हूं, यानी वो सारे कारण समझा रहा हूं जो खर्च होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, व्यय होते रहते हैं, इसको व्याकरण बोलते हैं। अगर पुराने समय में ऐसा बोला जाए सुधीर ने, मेरे नाम के आखिर में ना आ है ना ऊ है ना ए है ना ओ है, तो क्या है बचा, ए बचा, यानी रे में ए है। अगर कोई शब्द आखिर में सिंगल शब्द हो और उसके बाद में कुछ भी ना हो तो इसका मतलब ए उसके अंदर होता है, रे, यानी रे और ए, रे, आधा रे नहीं है, पूरा रे है, रे। तो ऐसा शब्द जिसका अंत यानी कि अंत जो है वो ए है, तो इसको बोलते हैं ए कारांत, यानी जो कारक है, जो कारण है, जो शब्द है उसका अंत क्या है, ए, तो उसको बोलेंगे ए अकारांत, ए कारांत। तो ए कारांत का मतलब है कि ऐसे अंत होता है शब्द का। और मैं जो नाम है ये पुल्लिंग है, मस्कुलर है, यानी कि ये जो जेंडर है ये एम है, मस्कुलिन जेंडर है, ये पुल्लिंग है, पुरुषवाचक है। तो यहां मेरे नाम की खास बात हो गई, एक तो मेरे नाम के आखिर में जो अंत हो रहा है वो ऐसे हो रहा है और मैं पुरुषवाचक नाम है मेरा। तो ऐसे ऐसे किसी भी चीज को यानी किसी भी नाउन को पाली के अंदर पहले कैसे करते थे, अगर ये कहना पड़े कि सुधीर ने, मैं सुधीर हूं, सुधीर ने, या बुद्ध ने, क्योंकि बुद्ध के नाम के बाद भी ए आ रहा है, धै, इन धै और ए धै, तो बुद्ध ने या सुधीर ने, या किसी का नाम मनोज है तो मनोज ने, या किसी का नाम सुशील है तो सुशील ने। इस पूरे दो वाक्य को यानी सुधीर ने को एक शब्द में पहले पाली में बोला जाता था, क्या बोला जाता था, सुधीरो, सुधीरो, यानी सुधीर में ओ लगा दिया, सुधीर में अगर ओ लगा देंगे तो ये हो जाएगा सुधीर ने, यानी कि बहुत सिंपल है, पहले हम बोलते थे सुधीरो और अब बोलते हैं सुधीर ने। आपने बहुत बार सुना होगा बुद्धो यो खलितो दोसो, पढ़ेंगे आप बार बार, कहीं बुद्धा आएगा कहीं बुद्धो आएगा। अभी मैं बुद्धा की बात नहीं कर रहा, बुद्धो की बात कर रहा हूं। तो बुद्धो का मतलब है बुद्ध ने, जब भी कहीं ये सेंटेंस आ जाए बुद्धो, इसका मतलब बुद्ध ने, बुद्ध ने क्या क्रिया की वो बात की बात है। अभी आप इतना समझें कि बुद्ध ने या सुधीर ने या मनोज ने को बोलेंगे मनोजो, या अगर सुशील है तो सुशीलो। अब आप अपने सेंटेंस में जहां ने है, ने खत्म होके ये पूरा एक सेंटेंस बनता है। ऐसे ही अगर ये कहना पड़े सुधीर को, यानी कि सुधीर को, अभी हमने वो सरल कर दिया है पाली को, मगर पहले सुधीर को एक शब्द में बोला जाता था, इसको बोलेंगे सुधीरंग, सुधीरंग। अंग जहां लगता है ये पाली का सिग्नेचर है, पाली की पहचान है, तो सुधीर प्लस अंग। और अंग को लगाने के लिए जो निगेहित है, जो मैंने आपको बताया है, एक बिंदी ऊपर लगती है आखिर में, यानी सुधीर के आखिर में जो रे है उसके ऊपर एक बिंदी लगेगी, आखिर वाली बिंदी अंग पड़ी जाती है और बीच में जो बिंदी आती है वो ने पड़ी जाती है, तो सुधीरंग हो गया। यानी बुद्ध को बोलेंगे तो बोलेंगे बुद्धंग, जैसे हम कहते हैं बुद्धंग नमामि, यानी बुद्ध को नमन करता है। तो हम पूरे सेंटेंस में ये नहीं बोल रहे हैं कि बुद्ध को नमन करता है, बुद्धंग नमामि करता हूं, यानी बुद्ध को नमन करता हूं, तो बुद्धंग आ गया, तो उसका मतलब बुद्ध को। या जैसे आपका नाम है, आपका नाम है जैसे सुशील, तो सुशीलंग, तो सुशील को हो गया। या आपका नाम है मनोज, तो मनोज नंग हो गया। यानी बाद में अगर ए आ रहा है तो उसमें अंग लगा देना है, जैसा कि मैं यहां स्लाइड में आपको बता रहा हूं। तो ये दो शब्द को पहले पाली में एक शब्द बड़े आसानी से बोला जाता था। अब जैसे सुधीर द्वारा, यानी सुधीर के द्वारा, या सुधीर ने ये किया, या बुद्ध ने ये किया, या मनोज ने ये किया, या सुशील ने ये किया, या
राकेश ने ये किया। तो द्वारा को जो बोला जाता है इसको बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें बोलते हैं सुधीरेन, लास्ट में एन लगा देते हैं सुधीर के बाद में एन, जैसा आप इसमें देख रहे हैं स्लाइड में सुधीरेन। सुधीरेन का मतलब है सुधीर के द्वारा या सुधीर द्वारा, बुद्धेन यानी बुद्ध के द्वारा, या राकेश, राकेशेन, राकेशेन, शे नहीं होता पाली में इसलिए शे नहीं बोला जाता, राकेशेन, राकेशेन हो गया, या मनोजेन, मनोज के द्वारा या मनोज ने, या ककचेन, जैसे आरी को बोलते हैं ककचेन, तो ककचेन का मतलब हो गया आरी के द्वारा। तो ऐसे सिंपल सिंपल से दो शब्दों को एक शब्द में पाली में बोला जाता है। इसलिए जब कोई लिखा होता है कहीं पे बुद्धा काश का मतलब बुद्ध ने, बुद्धंग बुद्ध को, बुद्धेन यानी बुद्ध के द्वारा। अगर हम बोले सुधीर के लिए, सुधीर के लिए, अब सुधीर के लिए तो आज की डेट में हम हिंदी में इसको सरल करके लेके आ चुके हैं, सुधीर के लिए बोल देंगे, मगर उस समय पाली में ऐसा नहीं बोला जाता था। के लिए अगर कहीं आ गया तो उसके लिए बहुत सिंपल सा था, शब्द इस लगा देते थे या आय लगा देते थे। जैसे आपने देखा होगा नमो बुद्धाय, यानी बुद्धाय बुद्ध के लिए, या बुद्धस्य, नमो बुद्धस्य या नमो बुद्धाय, यानी कि बुद्ध के लिए नमन या बुद्ध के लिए नमन, दोनों ही बातें ठीक है। या तो हम बुद्धाय बोले यानी बुद्ध में आय लगा दें, या बुद्धस्य बोले बुद्ध में इससे लगा दें, जैसा मैंने स्लाइड में आपको यहां दिखाया है। यानी कि के लिए, जैसे कोई कहे सुधीरस्य यानी सुधीर के लिए, या सुधीराय सुधीर के लिए, दोनों एक ही बात है, या मनोजस्य या मनोज आय, या राकेशस्य या राकेश आय। तो ऐसे सिंपल सा अगर आय लगा देंगे या इस लगा देंगे बाद में, इस उन शब्दों में लगाते हैं जहां के लिए इस्तेमाल होता है। तो बुद्धस्य का मतलब बुद्ध के लिए और बुद्धाय का मतलब बुद्ध के लिए, दोनों सेम है। और अगर लेना हो सुधीर से कुछ, यानी सुधीर से लेना हो या बुद्ध से लेना हो, तो कैसे बोलेंगे पाली के अंदर? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जो आंसर है, क्योंकि सेम है जो आता है वो आता है बुद्धा या सुधीरा या मनोजा या राकेशा। यानी कि अगर हम आ लगा दें बाद में तो बहुत सिंपल सा है, इसका मतलब से। और अगर हम आ लगाना ना चाहें तो आधा में और है, यानी बुद्ध मा, सुधीर मा, राकेश मा या मनोज मा, यानी मा लगा दिया तो भी इसका मतलब है कि राकेश से या सुधीर से या बुद्ध से या मनोज से। और अगर हम इसमें और भी एक शब्द इसमें है, इसमें तीन शब्द हैं, आ लगा दें या मा लगा दें या इस्मा लगा दें, यानी बुद्धस्मा, सुधीरस्मा, मनोजस्मा, राकेशमा, राकेशमा, यानी कि और या आधा से और मैं का आगे डंडा लगा दें, इस्मा लगा दें, यानी बुद्धस्मा, सुधीरस्मा, राकेशमा या मनोजस्मा। तो महा लगा दें या इस्मा लगा दें या आगे डंडा लगा दें, इसका तीनों का मतलब सेम होता है, सुधीर से, बुद्ध से, मनोज से या राकेश से। सिंपल सी एक बात हो जाएगी। आज की डेट में तो हम से बोल देते हैं कि हम मनोज से लेके आए या सुधीर से लेके आए, उस समय इसको मनोज मा या मनोज इस्मा या मनोज महा, यानी बुद्ध मा यानी बुद्धा या बुद्ध मा या बुद्ध इस्मा, ऐसे करके बोलते थे। अब अगर कोई ये कहे कि सुधीर का या सुधीर की कोई चीज है, या जैसे मेरा पुत्र है या पुत्री है या कोई किताब है या कोई चीज है, सुधीर की है या सुधीर का है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, तो का और की के लिए बहुत सिंपल सा है, जो पहले के लिए था यानी इस लगा देते हैं, यानी बुद्धस्य इसका मतलब बुद्ध का या बुद्ध की, सुधीरस्य यानी सुधीर का या सुधीर की, मनोजस्य यानी मनोज का या मनोज की, राकेशस्य यानी राकेश का या राकेश की। तो इसका मतलब ये उनकी हो जाती है, यानी पूरा का और की ने जोड़ के सिर्फ इस लगाना है उसके अंदर और ये सिंपल सा जुड़ जाता है।
अब आता है में और पर, यानी सुधीर में या सुधीर पर, यानी सुधीर में ये खराबी है या सुधीर पर ये जमता है या नहीं जमता है, दोनों बात एक हैं। इसको अधिकरण करके बोलते हैं, यानी अधिकार की तरह से, एक तरह से इसमें सबसे सिंपल आता है कि आप इसमें ए लगा दीजिए, यानी सुधीरे, सुधीरे कर दीजिए, या बुद्धे कर दीजिए, या राकेशे कर दीजिए, या मनुष्य कर दीजिए, ये सबसे सिंपल है। और अगर आप ए लगाना नहीं चाहते हैं तो इसमें आता है मी, यानी सुधीर मी, या बुद्ध मी, या राकेश मी, या मनोज मी। और एक शब्द और भी आता है जो आखिर में जुड़ता है, जैसा मैंने इसमें स्लाइड में दिखाया आपको, इसको बोलते हैं सुधीर स्मिंग। स्मिंग करके अगर लगा देंगे, या बुद्ध स्मिंग, या राकेश स्मिंग, या मनोज स्मिंग, तो स्मिंग भी लगा देंगे, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि राकेश में या राकेश पर, सुधीर में या सुधीर पर, बुद्ध में या बुद्ध पर, मनोज में या मनोज पर। यानी ये पूरा सेंटेंस को खाली ए लगा दें आखिर में, बुद्धि कर दें, या बुद्ध स्मिंग कर दें, या बुद्ध मी कर दें। और अगर किसी से बातचीत करनी हो तो बातचीत करने के लिए जो बोला जाता है वो, जैसे कहते हैं ना संबोधन, हे सुधीर, यानी कि सुधीर से अगर बात करनी है, या बुद्ध से बात करनी है, या राकेश से बात करनी है, या मनोज से बात करनी है, तो बहुत सीधा सा तरीका है, या तो उसका खाली नाम ले लेते हैं, जैसे सुधीर नाम मेरा है, या बुद्ध ले दें, या राकेश, या मनोज पूरा, या आ का डंडा लगा दें जो आपने शुरू में लगाया था, सुधीरा, या मनोज मनोजा, या राकेशा, और या बुद्धा। तो ये सारे के सारे जो पूरी स्लाइड आप देखेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे पूरी टी टेबल जो यहां दिखाई गई है, तो आप ये पाएंगे कि अगर सुधीर ने काम किया है तो सुधीरो हो गया, सुधीर को का मतलब सुधीरंग, सुधीर द्वारा सुधीरेन, सुधीर के लिए सुधीराय या सुधीरस्य, सुधीर से का मतलब है सुधीरा, सुधीरमा या सुधीरस्मा, सुधीर का या सुधीर की का मतलब है सुधीरस्य, सुधीर में या सुधीर पर का मतलब है सुधीरे, सुधीरमी, सुधीरस्मिंग, और हे सुधीर करके अगर संबोधन। इस प्रकार ये जो पूरी टेबल है वो यहाँ दी हुई है। अब इस टेबल का फायदा क्या है? पुराने समय में ये जो शब्द हैं ने, को, के लिए, में, पर, से, द्वारा, या संबोधन का, की, के, ये नहीं होते थे पहले। पहले शब्द के साथ में ये उसके कोड चलते थे, जुड़ जाते थे। जैसे कहा बुद्धो, यानी बुद्ध ने, बुद्धं यानी बुद्ध का, या बुद्धेन यानी बुद्ध के द्वारा, ये सारे सारे शब्द, चूंकि भाषा वही थी, बोला वही जाता था। बाद में भाषा और सरल हुई, और सरल होने के साथ साथ में ये शब्द अलग होते चले गए उनसे, और एक शब्द रहा और जो जुड़ने वाले थे वो अलग होते चले गए। पुरानी पाली भाषा में आपको जब आप पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको का, की, के, में, पर, द्वारा, के लिए ये शब्द नहीं मिलेंगे, मगर फिर भी पाली भाषा पढ़ी जाती है और समझी जाती है। तो इसलिए समझी और पढ़ी जाती है क्योंकि उस शब्द के आखिर में वो जुड़े हुए होते हैं, और उसको जो पाली का अभ्यास करते हैं और देखते हैं और समझते हैं वो समझ जाते हैं कि इसका सेंटेंस का मतलब क्या है। इसलिए वो देखने में थोड़े से अजीब लगते हैं, मगर अगर आप लगातार लगातार अभ्यास करेंगे तो वो बड़े सरल और बड़े आसानी से आपकी समझ में आते चले जाएंगे, ज्यादा नहीं है। इसको बोलते हैं विभक्ति। विभक्ति का मतलब है वी माने होता है अलग करना, और भक्ति माने होता है भंजन करना, यानी कि उनके खंड खंड टुकड़े करना, इसको विभक्ति बोलते हैं। यानी विभक्ति का मतलब है बांटना या बटा हुआ होना, खंड खंड करना। तो विभक्ति और जो बाद में संस्कारित भाषा बनी उसमें इसको विभक्ति बोलते हैं, विभक्ति, यानी विभक्ति पाली में, और विभक्ति बोलते हैं इसको संस्कारित भाषा में। पाली भाषा के अंदर जो इसके नाम आते हैं वो आते हैं पठमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठ यानी कि छठी, सप्तमी, और आलपन। आलपन का मतलब संबोधन आज की डेट में। और जो संस्कृत भाषा में, क्योंकि संस्कृत भाषा पाली भाषा से ही बनी है, इसलिए संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं प्रथम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन।
अगर आपने बचपन में ध्यान दिया हो तो ये बड़े कमाल की है, जिसमें आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण द्वारा संपदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर हे और अरे। अगर इसको हम पाली में पढ़ेंगे तो पाली में इस तरह से, ये कारक ने कम को करण द्वारा संपदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर आलपन है। ये अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो पठमा है, यानी कि अब हम जो व्याकरण है, जो ग्रामर है पाली की, वो सबसे सरल रूप इसमें जो आता है विभक्ति आता है, यानी इसको कैसे बांटा गया है, यानी जो इसमें करने वाला होता है, कारक होता है, जैसे बुद्ध ने, तो उसमें पहले वाले को पठमा बोलते हैं, यानी जो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश के अनुसार उसको पठमा बोलते हैं, वो पठमा हो गया। और पठमा हमेशा कारक होता है, कारक का मतलब है जो करने वाला होता है, कर्ता होता है। फिर इसमें जो द्वितीया आता है, द्वितीया इसमें आता है कम, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, जैसे पानी को, खाने को, चाय को, जाने को, रोने को, धोने को, हंसने को, गाने को, यानी कि ये कम हो गया, ये कम हो गया। तृतीया आता है इसमें करण, करण का मतलब है करना, करना आता है इसको, तृतीया विभक्ति बोलते हैं। करण का मतलब है द्वारा, जो आता है किसके द्वारा, मतलब कारण क्या है, किसके द्वारा करते हैं, जैसे पेड़ को आरी से काटना है, आरी के द्वारा काटना है, तो द्वारा जो आता है, यानी बाई जो आता है, वो आता है, और इंग्लिश में इसको विद भी बोलते हैं, विद का मतलब है चैन के साथ में, औजार के साथ में, तो द्वारा का मतलब यहां आता है करण। ये तीसरी आती है, तृतीया विभक्ति आती है, और चतुर्थी आती है संपदान। चतुर्थी विभक्ति का मतलब है संपदान, संपदान का मतलब है संपूर्ण दान, यानी कि सदा के लिए देना, संपूर्ण रूप से देना, संपदान का मतलब होता है। बाद में संस्कृत भाषा में इसको संपदान बोलते हैं। तो सदा के लिए देने का मतलब है के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना बुद्धस्य, बुद्ध के लिए, यानी दे दिया हमने, सुधीरस्य, यानी सुधीर के लिए, या सुधीराय, सुधीर के लिए दे दिया, सदा के लिए दे दिया, संपदान यानी संपूर्ण दान, दान माने जो होता है वो देना होता है। फिर आता है इसके अंदर पंचमी, पंचमी आता है अपादान, यानी अपादान का मतलब है दान ना देना, यानी अलग अलग करना, उनको अलग अलग करना। तो इसमें से वर्ड जोड़ता है से, जैसे मामा से वो लेके आओ, या नानी से वो लेके आओ, या चाय से बाहर ये निकालो, यानी से जो आएगा वो अलग करने के लिए आता है, लखनऊ से आ रहे हैं, यानी लखनऊ से अलग हो रहे हैं, तो ऐसा से आता है, उसको अपादान बोलते हैं। अपादान का पाली का मतलब है दान जो दिया हुआ है उसे अलग करना, अलग अलग करना। जो छठी आती है, छठी विभक्ति, इसका मतलब होता है संबंध, यानी रिलेशनशिप, संबंध का मतलब है कि आपका किसी चीज से संबंध क्या है, जैसे मेरी किताब, मेरा बेटा, मेरा कैमरा, मेरा वीडियो, मेरे शब्द, मेरा कागज, मेरा पेन, मेरी किताब, यानी कि जो संबंध स्थापित करेगा वो आता है, जो छठी विभक्ति होती है उसमें से जुड़ जाता है। और सप्तमी जो होती है, यानी सातवीं विभक्ति जो होती है, जो अलग अलग करते हैं, जिसमें बांटना होता है, उसको बोलते हैं अधिकरण। अधिकरण का मतलब है अधिकार रखना, या मुकदमा करना, या उस पर अपना पूरा प्रभाव करना, इसको अधिकरण बोलते हैं। अधिकरण का मतलब हो गया कि ये मेरे अधिकार में है, में और पर जब लग जाता है, यानी इसमें, यानी इसमें अधिकार हो गया, तुम में यानी तुम्हारे अंदर अधिकरण हो गया, तुम पर यानी तुम्हारे ऊपर कुछ है, तो ये अधिकरण में आता है। ये सप्तमी विभक्ति है। और जो आलपन होता है, आलपन का मतलब है कि संबोधन, यानी कि आलपन जब आप बोलते हो किसी को, किसे बातचीत करते हो, तो उसको आलपन बोलते हैं। ये आठ प्रकार के जितने भी सेंटेंस हैं उनमें ये आठ प्रकार की चीजें हमेशा इस्तेमाल होंगी, इसके अलावा नौमी कोई चीज इस्तेमाल नहीं होती। विभक्ति सिर्फ आठ प्रकार की है, पूरी दुनिया में आठ प्रकार की है, इसलिए संस्कृत भाषा में भी आठ ही प्रकार की उन्होंने ली। संस्कृत भाषा में इसका नाम संस्कृत करके उन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय कर दिया, और पाली के अंदर ये ओरिजिनल भाषा में है पठमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी करके है। इसलिए बहुत सरल है और बहुत सिंपल है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप ये स्लाइड देखिए, और स्लाइड देखने के बाद में आज से प्रैक्टिस कीजिए।
जिन नाम के आगे कोई मात्रा नहीं है, ना आ की है, ना ई की है, ना ऊ की है, ना ए की है, ना ओ की है, और वो संज्ञा है, नाम है, और उस नाम में अगर आप ये जोड़ेंगे कि इसने, तो इसने की जगह सिर्फ उसमें ओ जोड़ दीजिए। जैसे सुधीर ने का मतलब सुधीर रो, और सुधीर का मतलब सुधीर रंग, और सुधीर के द्वारा इसका मतलब है सुधीर रेन, और सुधीर के लिए का मतलब है सुधीराय और सुधीर रस्य, सुधीर से का मतलब है सुधीरा, सुधीरस्मा और सुधीरमा, यानी कि इस्मा जोड़ देंगे, महा जोड़ देंगे और ए जोड़ देंगे, आ जोड़ देंगे, तो सुधीर से हो गया, और सुधीर का कुछ है सुधीर का या सुधीर की, तो सुधीर रस्य जोड़ देंगे, और सुधीर में या सुधीर पर कुछ होगा तो उसे सुधीरे कर देंगे, सुधीर मी कर देंगे या सुधीर इस्मिंग कर देंगे, इस्मिंग जोड़ देंगे, मी जोड़ देंगे या ए जोड़ देंगे, और अगर खाली सुधीर से बात करनी होगी तो सुधीर या सुधीरा। ऐसे करके आप नाम में लोगों से मिलिए। जैसे किसी का नाम है, जैसे अमीर नाम है, तो अमीरो हो गया, अमीरेन, अमीरंग, अमीरे, अमीरमा, अमीरस्मा, अमीरस्मिंग, अमीरो, अमीरस्य, अमीराय, इस तरह से आप उससे बात करेंगे तो आपको पाली धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जो स्लाइड मैंने नीचे दी हैं उनको कॉपी करके अपने पास रख लीजिए। अगर आपको वहाँ नहीं मिलती है तो मेरे फेसबुक पेज से आप उनको कॉपी कर लीजिए, या मुझे व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, और पाली की शुरुआत कीजिए। पाली बहुत अच्छी है, आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, पाली आपको आती चली जाएगी। पाली 5 में आज इतना ही, धन्यवाद।